हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुक विद नीति में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से नान। सिंपल नान बना रहे हैं, बहुत ही इजी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल प्लेन सिंपल नान, जो बहुत ही इजी तरीके से बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप मेजरमेंट करें, मैंने दो कटोरी या दो बाउल मैंने मैदा ली है। तो मैदे के साथ हम लेंगे इसमें, मैंने यहाँ जो दो कटोरी मैदा लिया है ये लगभग हमारी होगी आधा किलो, 500 ग्राम मैदा है ये। तो इसमें आपने देखा कि वो नान जो हम खाते हैं तो ठंडा होने के बाद थोड़ी खिंचाव होता है उसमें, वो खिंची खिंची हो जाती है, तो थोड़ी खाने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम इसमें 3 से 4 चम्मच आटा ऐड करेंगे। और इसमें हमने लिया है ये खाने वाला सोडा और साथ में बेकिंग पाउडर 1/2 स्पून दोनों को मिला के। उसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, टू स्पून हमने शुगर ऐड कर दिए इसमें। और अब हम थोड़ा इसमें बीच में स्पेस बनाकर हम डालेंगे इसमें कर्ड। ये मैंने 250 ग्राम दही ली है, जो मैंने खट्टी दही ली है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसको एक स्मूथ आटा मल के तैयार करेंगे, अच्छे से डो बना लेंगे हम इसको। अगर हमारे कर्ड से नहीं बनता है डो तो हम हल्का साइज में पानी भी मिक्स कर देंगे। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं डालना है, हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये हमारा स्मूथ डो रेडी हो गया है। और अब हम इसको एक बाउल में करके रख देते हैं रेस्ट होने के लिए। हमें ये 3 से 4 घंटे रेस्ट करने के लिए रखना होगा। और अगर आपको थोड़ा सा जल्दी मतलब इसको बनाना है या एकदम हैंड टू हैंड बनाना है तो आप इसको वो ले लेंगे सोडा वाटर, आप उसमें इसको मिक्स करके तो आप इसको बना सकते हैं, या फिर आप इसमें इनो डालकर तो भी साथ साथ बना सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही बनाएंगे 3-4 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। और अगर आपको इनो या सोडा नहीं डालना है और आधा घंटे 1 घंटे में ही बनाना है तो आप इसको आटे को तैयार करके धूप में भी थोड़ी देर रख सकते हैं, तो आपका एक खमीर जैसा आटा रेडी हो जाएगा और फिर हम इससे नान तैयार करेंगे। देखिए 3 से 4 घंटे हमारे हो चुके हैं और आप देख रहे हैं ना हमारी मैदा बिल्कुल फूल गई है और अच्छे से इसमें खमीर भी उठ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, थाली प्लेट बड़ा कुछ भी लेंगे आप, बाउल कुछ भी ले लें, उसमें हम हल्का सा डालेंगे ऑयल, चारों तरफ हम इसको लगाएंगे और हम अपने आटे को इसमें एक बार डालकर सारे को मिक्स करेंगे। हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, देख रहे हैं ना बहुत ही अच्छे से स्पंजी हो गया, ये बहुत ही सॉफ्ट है। और अब हम इसको एक साथ लगाकर हम इसको बहुत ही इजीली फुलके की तरह नान बनाकर तैयार करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने तवे को गरम करके उसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देते हैं, थोड़ा हीट आने लगेगी तो हम इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। नेक्स्ट हम लेंगे अपना बोर्ड या चकला, उस पर हम ऑयल लगा लेंगे, अच्छे से ऑयल लगाएंगे और साथ में हम अपने हाथ पे भी ऑयल लगा लेंगे। और अब हम जो हमने आटा तैयार किया हुआ है उसमें से हम लेंगे आटा, जितना बड़ा साइज की नान बनाना चाहें उसको अच्छे से रोल करेंगे। ये मैं बिल्कुल इजीली तरीके से आपको बता रही हूँ, ये देखिए। और हम हल्का सा ऑयल लेकर अब हम इसको बेलेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो नान बनाई जाती है हमारी एक साइड से, हम उस पर ऑयल लगाकर तवे पे डाल के हम उसको फ्लेम के ऊपर रख के सेकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी बहुत जल्दबाजी में हमें नान बनानी होती है, एक साथ दो तीन गेस्ट बैठ जाते हैं तो नान हमारी या तो हमें पहले से ही सेक के रखनी होगी तो क्या होगा, वो हमारी थोड़ी ठंडी भी हो सकती है। दूसरा, अगर हम एक साथ बिठाएंगे उनको और खिलाएंगे तो हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे हमारी स्पीड, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो हम इसे अगर फुलके की तरह बनाएंगे तो स्पीड भी और टेस्ट भी बिल्कुल गारंटेड हमारे नान वाला ही होगा। तो ये मैंने इसको ले लिया है और अब हम इसको तवे पे डालेंगे और अब हम इसको सिकने देते हैं। फ्रेंड है, बस बनाने का थोड़ा सा तरीका ही डिफरेंट है, सेम नान है। तो अब देखिए ऊपर हमारा ये सिक गया है बिल्कुल अच्छे से। अब हम इसको सेक लेते हैं, फ्लैम करेंगे हम तेज गैस की और अब हम इसको थोड़ा सा सेक लेते हैं। बहुत ही स्पंजी रेडी हुई है देखिए आप, और बहुत ही टेस्टी भी बनकर रेडी हुई है। आप इसको किसी से भी खा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं ना भाई हम नान नहीं खाते, वो थोड़ी कच्ची कच्ची रहती है, मैदा रहती है, तो इससे उनका ये भी डाउट खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जो हमने इसमें आटा ऐड किया था उससे ही ठंडे होने के बाद खिंचेंगी भी नहीं। ये देखिए परफेक्ट नान रेडी हुई है, ऐसे ही हम अपनी और नान बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट अच्छे तरीके से हमारी नान स्पंजी और सॉफ्ट रेडी हुई है। आप इसको बटर या घी से गार्निश कर दें, घी और बटर इसको लगा दें, क्योंकि मैंने बिल्कुल सिंपल बनाई है तो इसमें मैंने कोई और चीज या कोई पनीर या कुछ भी ऐड नहीं करा है। आप इसको पनीर से, दाल मखनी से, किसी से भी आप इसको खा सकते हैं, चाप से, जो आपका टेस्ट हो। और बनाने में बहुत ही इजी है, आप एक साथ कई कई लोगों को बिठाकर बड़े आसानी से इसको खिला सकते हैं। तो आप इसको बनाइए, खिलाइए और आप जल्दी से मेरे को बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।